उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। एक तरफ खराब प्रदर्शन के कारण यूपी भारतीय जनता पार्टी में विवाद गहराया हुआ है, वहीं केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में मुखर नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात कर केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट चुके हैं। वहीं भाजपा में मचे उठापटक के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक ट्वीट ने राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एकदम मजाकिया अंदाज में लिखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को सरकार बनाने का ऑफर तक दे डाला और लिखा, मॉनसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। इसका मतलब अब साफ हो गया है, खुले मन से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अब केशव प्रसाद मौर्य पर डोरे डालने में लगी हुई है। अगर केशव मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो समाजवादी पार्टी खुले मन से केशव मौर्य का समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार विवाद गहराया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक खुले मंच से पार्टी के ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आए। जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में 33 सीटों पर जीत मिली, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में नंबर वन बन गई। पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इसके बाद से लगातार भाजपा में मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। इन बैठकों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर प्रदेश की राजनीति में अलग ही बहस छेड़ दी है। सरकार बड़ा या संगठन, बहस का मुद्दा बन गया है। इस बीच विपक्षी दल भाजपा के भीतर बड़ी हलचल के बीच अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस क्रम में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दे दिया है। 100 विधायकों को लाने पर सरकार बनाने का ऑफर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय भारतीय जनता पार्टी 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 105 विधायक है। अपना दल सोनेलाल 13 विधायकों के साथ तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, निषाद पार्टी के पास 5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, कांग्रेस के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्य विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। वहीं पार्टी को तोड़ने के 1/2 विधायक जरूरी होते हैं। ऐसे में किसी भी नेता की भाजपा को तोड़ने के लिए कम से कम 167 विधायकों का एक तरफ आना जरूरी होगा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग गुट बनाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो फिर वह सरकार बना सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की स्थिति में पाला बदलने वाले विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्यवाही हो सकती है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के ऑफर को तंज के रूप में ही देखा जा रहा है।